गुड मॉर्निंग क्लास 11th, आपको मैंने लेसन दिया था मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं, देखिए कहा जाता है कि क्वेश्चन पैसे पहले आता है कि मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन जो थे हर प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। ये उनका ख़ानदानी पेशा था, मतलब ये उनका ख़ानदानी पेशा है। वह मतलब मियाँ नसीरुद्दीन मतलब हर प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे और यह उनका नाम मतलब ख़ानदानी पेशा है। और वो इस कला में बहुत निपुण हैं। वो कला में जो निपुण हैं, मतलब ये जो कला जो है उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। और उनकी रोटियाँ तो उनकी पापड़ से भी ज़्यादा, मतलब एक पापड़ होता है पतला सा, उससे भी ज़्यादा महीन होती हैं। इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट आता है लेखिका जो है मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। देखिए लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास में उनका उनके हुनर को जानने के लिए गई थी। उन्होंने मियाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था। और एक पत्रकार होने के नाते, तो लेखिका जो थी एक पत्रकार थी, और उन्होंने उस लेखिका के पत्रकार होने उसकी कला के बारे में मतलब पत्रकार होने के बारे पत्रकार थी और इसलिए वह उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी और उन्हें प्रकाशित करना चाहती थी। मतलब लेखिका जो थी मियाँ नसीरुद्दीन के पास उनके हुनर को जानने के लिए गई थी। जो उनके पास हुनर था मतलब रोटियां पकाने का जो उनके पास में हुनर था उसको सीखने के लिए वह उनके पास में गई थी, क्योंकि उन्होंने मियाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था। और एक पत्रकार होने के नाते वह उनकी कला के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके उन्हें प्रकाशित करना चाहती थी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आता है कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास उनके हुनर को जानने के लिए गई थी। आगे है बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों कम होने लग गई। तो कहते हैं बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों कम होने लगी, क्योंकि मियाँ ने सारी बातें जो थीं क्योंकि जो मियाँ जो थे उन्होंने सारी बातें अपने बुजुर्गों के मुख से सुनी थी, मतलब बुजुर्गों के मुख से सुनी थी, उन्होंने उनको देखा नहीं था। तो और सच्चाई ये थी कि उन्होंने कभी किसी बादशाह के यहाँ कबर काम भी नहीं किया था। तभी तो वो लेखिका के पूछने पर बता नहीं सके कि उन्होंने बादशाह के यहाँ कौन सी पकवान बनाई थी। कोई भी बता नहीं सके कि वो लेखिका ने बादशाह के यहाँ कौन सी पकवान उन्होंने बनाई थी। तो लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन दिलचस्पी क्यों कम होने लगी कि उन्होंने मतलब मेन है कि उन्होंने किसी बादशाह के यहाँ कोई काम भी नहीं किया था। और तभी तो वे जब लेखिका ने पूछा तो वे उसको बता भी नहीं सके कि मतलब उन्होंने किस बादशाह के यहाँ का काम किया था, क्योंकि उन्होंने तो ये सब बातें अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों से सुनी थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं बता सके। अब देखिए आप कहते हैं कि मियाँ जो नसीरुद्दीन हैं उनका जो शब्द चित्र है उन्होंने लेखिका ने किस प्रकार से खींचा है। शब्द चित्र क्या होता है, मतलब उनका
कैसी उनकी आकृति है, कैसा उनका रहने का ढंग है, उसका मतलब उन्होंने किस प्रकार से खींचा, उसका चेहरा कैसा था उनका। तो कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन का जो शब्द चित्र है वो लेखिका ने खींचा है, कि मतलब उनका परिस्थितियों के हिसाब से, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से पका हुआ चेहरा, या कहते हैं मौसम की मार से पका हुआ चेहरा, आँखों में काइयाँ और चेहरे पर भूलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मतलब मौसम की मार से पका हुआ चेहरा, आँखों में काइयाँ और भूलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। ठीक है, अब कहते हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें लेखिका को कौन सी मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लग गई, मतलब इस जो लेसन दिया गया है मियाँ नसीरुद्दीन। तो कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन की जो बातें हमें अच्छी लगी, तो मतलब पहला है कि वो अपने पेशे के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, अपने पेशे के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन मान क्योंकि मसीर मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं, जो नान बनती है, नान भाइयों का मसीहा कहते हैं ना उनको, तो नान बनाने के लिए मशहूर थे वे। अपने पेशे को कला समझ करके वे अपने पेशे को कला समझ करके मन लगा करके सीखते हैं। लेखिका से बातें करते हुए भी वे अपने मतलब उनका अपने काम पर से ध्यान जो है नहीं हटता है। लेखिका से बातें भी कर रहे होते हैं तो भी उनका काम पर से ध्यान बिल्कुल नहीं हटता है। तो पहला होता है कि मतलब वो अपने पेशे के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, वे अपने साथ काम करने वालों का भी सम्मान करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं व्यक्ति उनके नौकर हैं उनका भी वो सम्मान करते हैं, और उनको दी जाने वाली वेतन में और उनको दिए जाने वाले वेतन में कभी भी कोई भी कटौती वे नहीं करते हैं। ठीक है, और एक उनमें आत्मविश्वास है, जो लेखिका के प्रत्येक प्रश्नों का जवाब, मतलब लेखिका जो है जो भी प्रश्न उनसे पूछती है तो लेखिका के प्रत्येक प्रश्नों का जो जवाब है वो पूरी दृढ़ता से देते हैं और कभी भी हिचके जाते नहीं हैं, और पूरे विश्वास के साथ में वो बात करते हैं। ठीक है, मतलब जो बातें अच्छी लगी, कौन सी बातें अच्छी लगी, नंबर एक होता है कि वो अपने पेशे के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं नान बनाने के लिए पूर्णतया मशहूर हैं, वे अपने पेशे को कला समझ करके मन लगा करके सीखते हैं। और लेखिका जब उनसे आकर के पूछती है उनके बारे में तो लेखिका से वे बातें भी कर रहे होते हैं, तभी भी लेखिका वे अपने काम को वे साथ साथ में अपना मतलब काम भी करते रहते हैं, काम पर से अपना ध्यान नहीं हटाते हैं। ठीक है, वे अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते हैं और उनके दी जाने वाले वेतन में कोई भी कटौती नहीं करते हैं। और एक उनका आत्मविश्वास कि मियाँ नसीरुद्दीन जो होते हैं लेखिका की बातों का वो पूरी दृढ़ता से उत्तर देते हैं, वे कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं और पूरे विश्वास के साथ में वो बात करते हैं। तो बोला जाता है, उन्होंने बोला था एक जगह पे कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तो मतलब तालीम की तालीम, मतलब ये शब्द जो है दो बार आया है। तो तालीम मीन्स क्या होता है, मतलब यहाँ जो तालीम की तालीम, तालीम जो मतलब पहली बार जो लिखा हुआ है तालीम, उसका अर्थ होता है शिक्षा। और दूसरी बार जो तालीम शब्द का अर्थ होता है वो आता है ज्ञान होता है। दूसरे तालीम शब्द का अर्थ होता है, मतलब एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है ज्ञान भी कह सकते हैं और उसका अनुसरण भी कह सकते हैं, अनुसरण करना भी हो सकता है। उसी तरह लिखा जा सकता है कि तालीम का अनुसरण करना, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, तालीम का अनुसरण करना मतलब जो उन्होंने शिक्षा दी, पूर्वजों उनके उन्होंने जो शिक्षा दी उसका अनुसरण करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनकी तालीम का अनुसरण करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो
तो मतलब कहते हैं तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। तालीम तालीम पहले तालीम जो आया तालीम उसका मतलब होता है शिक्षा, और तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। तालीम मीन्स होता है अनुसरण करना, कि मतलब किसी भी शिक्षा का किसी भी तालीम का अनुसरण करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तालीम का अनुसरण करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक, अब देखिएगा उसमें पूछा गया था कि मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं तीसरी पीढ़ी के हैं, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं, जिसने अपने ख़ानदानी व्यवसाय को अपनाया, और वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाते हैं। ऐसा क्यों? ज़्यादातर लोग पारंपरिक व्यवसाय को अपनाते हैं जो मतलब पूर्वजों से चला आ रहा होता है, जो पूर्वजों से चला आ रहा होता है उसी को अपनाते हैं, और इन्होंने क्यों नहीं अपनाया? तो कहते हैं वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता जो है, आजकल की जो मानसिकता है वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता है जो मतलब बदलती जा रही है, मतलब अलग हो रही है। वे अपना जो उनका पारंपरिक व्यवसाय होता है जो पूर्वजों से चला होता है उसे कहते हैं पारंपरिक व्यवसाय। जो पारंपरिक उनका व्यवसाय होता है वे उसको अपनाते नहीं हैं, क्योंकि वे पारंपरिक आजकल वे पारंपरिक व्यवसाय को ना अपना करके वे नौकरी करना जो होता है ज़्यादा पसंद करते हैं, नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और तेज़ी से बढ़ता हुआ शहरीकरण ने लोगों की सोच को बदल दिया है, लोगों की सोच को भी बदल दिया है, और लोग व्यक्तिगत रूप से वे अपने व्यवसाय को करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग होता है जो मतलब जॉब करना नौकरी करना पसंद करते हैं, इसलिए प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को अपना नहीं रहे हैं। मतलब जो शहरीकरण हो गया है, शहरीकरण से लोगों की सोच में बदलाव आ गया है, और वे अपने पारंपरिक व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहते हैं, और वे मतलब उनकी सोच जो होता है व्यक्तिगत हो गई है, मतलब संयुक्त परिवार से ना होकर के उनकी सोच अलग हो गई है। वे सोचते हैं कि हम यदि नौकरी करेंगे, मतलब हम यदि कोई जॉब करते हैं तो हम अपने मतलब जो हमारा हम अलग रहेंगे और हमारा घर बार अलग हो जाएगा, मतलब व्यक्तिगत रूप से अलग रहना चाहते हैं। और यदि वो पारंपरिक व्यवसाय को अपनाते हैं तो सबके संयुक्त रूप से रहना पड़ता है, तो लोगों की जो सोच है, लोगों की जो मानसिकता है आजकल की वो बदलती जा रही है, लोगों की सोच मतलब जो है आजकल की वो बदलती जा रही है, इसलिए जो है लोग जो है अपने पारंपरिक जो उनका व्यवसाय है उसको अपना नहीं रहे हैं। अब देखिए मियाँ, कहीं अखबार नबीस तो नहीं हो, यह तो खोजुओं की खुराफात है, अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिकड़े। मैं उसने कहा मियाँ आप कहीं अखबार नबीस तो नहीं हो? अखबार नबीस क्या होता है? जो मतलब इधर उधर से जानकारी लेकर के अखबारों में पत्रिकाओं में छाप देता है, तो वो तो नहीं हो। तो कहते हैं पत्रकारिता के बारे में मियाँ नसीरुद्दीन के विचार मतलब पत्रकार से समझे जा सकते हैं। पहला होता है कि सकारात्मक अर्थ में उनका विचार समझा जा सकता है, इसमें अखबार की भूमिका जो होती है, मतलब अखबार नमीज तो नहीं हो, मतलब होता है उनका कि आप अखबार की भूमिका के मतलब विचार उनके जो मियाँ नसीरुद्दीन के जो विचार हैं उनको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? पहला होता है पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता जो होती है, कहते हैं पत्रकार से पहला पक्ष होता है सकारात्मक अर्थ में होता है, क्योंकि मेन जो होती है अखबार की भूमिका जो होती है, सबसे पहले अखबार ही चलाता तो अखबार की भूमिका ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें आविष्कारों और सूचनाओं को जनता से अवगत कराया जाता है, आप जितने भी आविष्कार होते हैं सूचनाएं होती हैं, सबसे पहले उस समय क्या चलता था? पेपर ही चलता था। तो मतलब पेपर अखबार नवीस तो नहीं हो, मतलब अखबारों में छापने वाले तो नहीं हो। तो कहते हैं सूचनाओं को जनता से अवगत कराया जाता है, और इससे जो होता है प्रगति का मार्ग प्रशस्त मतलब खुल जाता है। ठीक है, और यदि हम दूसरे पक्ष में लेते हैं, यदि हम अखबार नवीस को हम दूसरे पक्ष में लेते हैं तो उसको नकारात्मक अर्थ में समझा जाता है। कैसे? कि खबरों को बढ़ा चढ़ा कर के लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, और सनसनी और खलबली पहचाने वाले समाचारों को छाप दिया जाता है, जिससे कि उनकी लोकप्रियता बढ़े और उनकी बिक्री जो है अच्छी हो जाए। मतलब अखबार नवीस तो मतलब पहला होता है सकारात्मक पक्ष में,
सकारात्मक पक्ष में होता है कि मतलब ये होता है कि अखबार की भूमिका जो होती है आजकल उस समय अखबार की भूमिका जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अखबार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें आविष्कारों को और सूचनाओं को जनता से अवगत कराया जाता है और इससे प्रगति का मार्ग जो होता है प्रगति का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। ये तो हो गया सकारात्मक पक्ष में। और नकारात्मक पक्ष में क्या आता है, ये नकारात्मक अर्थ में ये समझा जाता है कि खबरों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों तक पहुंचा दिया जाता है और जो सनसनीखेज सनसनीखेज जो होती हैं न्यूज होती है समाचार जो होते हैं वो समाचारों में छाप दिए जाते हैं जिससे कि लोगों को उनको सनसनी फैल जाती है जिससे कि उस अखबार की लोकप्रियता बढ़े और उनकी अधिक बिक्री हो और उनकी आमदनी भी बढ़ जाए ठीक है। तो अब कहते हैं रोटी जो है रोटियाँ आगे जो उनकी रोटी बढ़ जाए, तो कहते हैं इसमें कई कई क्वेश्चन वो ऐसे पूछ दिए गए हैं जैसे होता है कि कुछ अनुकूल प्रसंग तैयार कर लिए जाते हैं। जैसे होता है पंच हजारी में, इसमें लिखा होता है पंच हजारी में सिर हिलाया, पंच हजारी में सिर हिलाया। तो कहते हैं कि एक बार मैंने एक सेठ से इधर उधर की बातें करके प्रश्न पूछा। एक बार मैंने सेठ से बात करी तो मैंने प्रश्न पूछा तो उसने पंच हजारी अंदाज में सिर हिला दिया, पंच हजारी अंदाज में उसने सिर हिला दिया। और बार बार पूछे जाने पर आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। यदि हम उस चीज़ को उन्होंने बार बार देखा तो उन्होंने बार बार आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, आंखें जो थीं उन्होंने हमारे ऊपर टेढ़ी करके टेढ़ी करके देखना। किसी बात को यदि हम बार बार पूछते हैं किसी व्यक्ति से तो क्या होता है, वो आंखें टेढ़ी करके जो पूछता है उसे कहते हैं कि आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आ बैठे उन्हें के ठिए पर, उन्होंने बताया कि जब सेठ मुनिचंद के अचानक देहावसान के बाद बारिश ना होने के बाद वह बैठा उन्हीं के ठीए पर। कहते हैं कि जब कोई बारिश जो होता है किसी दुकान का मालिक जो होता है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको जो बेटा होता है उसी की दुकान पर आकर के बैठ जाता है, तो कहते हैं कि आ बैठे उन्हीं के ठीए पर। उन्हीं के ठीए पर उन्हीं की जो दुकान थी, उन्हीं को नान भाइयों का नान नान भाइयों की जो दुकान थी ना, उसमें सेठ मुनिमचंद के मुनिमचंद जी जो थे उनके अचानक उनका देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के कारण वह उन्हीं के ठिए पर आकर के भी उन्हीं के ठिए पर आकर के बैठ गए। ठीक है, वो उन्हीं के ठिए पर आकर के बैठ गए। तो कहते हैं आ बैठे उन्हीं के ठिए पर और आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। जब हम किसी प्रश्न को देखिए समझिएगा, जब हम किसी प्रश्न को बार बार किसी से पूछते हैं तो वो जो आंखें टेढ़ी करके हमारी तरफ देखता है ना जब, तो उसे ही कहते हैं हम लोग कि आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, सेठ से जब इधर उधर की बातें करके मैंने एक मुद्दे पर जो मैं पूछने आया था प्रश्न पूछा तो उसने क्या किया, पंच हजारी अंदाज में सिर हिला दिया। पंच हजारी अंदाज में उसने सिर हिलाया कि ठीक है ना। तो कहते हैं जैसे लिखा होता है टिटर बिटर कर देखना, पूछा जाता है टिटर बिटर कर देखना। तो टिटर बिटर कर देखना मीन्स क्या होता है, टिटर बिटर कर देखना होता है कि देखने संबंधी इसमें चार क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य बनाना बनाना बनाइए। चार क्रिया विशेषणों का प्रयोग करना है, टिटर बिटर कर देखना होता है कि हमको हमें आंखें दिखाना है। टिटर बिटर कर देखना होता है कि आंखें दिखाना। परीक्षा भवन में किसी भी छात्र को नकल करते देख करके परीक्षा भवन में किसी को नकल करते हुए देख करके शिक्षिका ने या शिक्षक ने उसे आंखें दिखा दी टिटर बिटर कर उसकी तरफ देखने लगी। अब इसके बाद में आता है सी टिटर बिटर कर देखना को, इसमें ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे होता है सीधी आंख ना देखना कि मोहन जो था अपने मित्र को
आगे बढ़ते हुए देख करके, परीक्षा भी यह समझ लीजिएगा, परीक्षा में अधिक नंबर आते हुए देख करके आँखें मतलब परीक्षा में अधिक नंबर आते हुए देख करके सीधी आंख नहीं देख सकता, वह उसको सीधी आंख नहीं दे सकता, मतलब उसके तरफ टेढ़ी आंख करके देखता है कि उसके परीक्षा में नंबर इतने आ गए हैं, तो उसे सीधी आंख ना देखना, सीधी आंख नहीं देख सकता परीक्षा में। या लिखेंगे कि परीक्षा में अपने मित्र को आगे बढ़ते हुए देख करके सीधी आँख वो सीधी आँख नहीं देख सकता है। ठीक है, अब जैसे होता है टुकुर टुकुर कर देखना, पहले पहले क्या आता है आँखें दिखाना, टिटर बिटर कर देखना, मतलब उसके चार तरीके से उसके आँखें दिखानों के निकलते हैं। पहले होता है सीधी आँख ना देखना, दूसरा होता है आँखें दिखाना, तीसरा होता है टुकुर टुकुर देखना कि एक बच्चा जो था, टुकुर टुकुर मतलब होता है एक बच्चा जो था, नहीं कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा था और बच्चा उसको कैसे देख रहा था, बच्चा उसको टुकुर टुकुर करके देख रहा था, बच्चा उसको टुकुर टुकुर करके देख रहा था। आंखें मारना, उसने आंखें मारना मीन्स होता है उसने आंखें मार करके मुझे बुलाया, उसने आंखें मार करके मुझे बुलाया। तो ये चार होते हैं, आंखें दिखाना और सीधी आंख ना देखना, टुकुर टुकुर देखना और होता है आंखें मारना, चार होते हैं। ठीक है ना, आंखें दिखाना, सीधी आंख ना देखना, टुकुर टुकुर कर देखना और आँख मारना जो होते हैं इसके चार, मतलब चार तरीके से क्रिया, मतलब बिटर बिटर कर देखना, ये चार प्रकार के क्रिया विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक, अब इसमें देखिएगा आता है कहते हैं कि 56 मियां विकास, देखिए कहते हैं कि मियां नसीरुद्दीन में जो लेसन है उसमें मियां नसीरुद्दीन के कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका का नाम क्या है, मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका का नाम क्या है, क्या नाम है, कृष्णा शोभती। मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा शोभती। अच्छा, मियां नसीरुद्दीन नामक जो पाठ है किसके व्यक्तित्व का, उसमें किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है, मियां नसीरुद्दीन में, मियां नसीरुद्दीन जो पाठ है किसका शब्द चित्र अंकित किया गया है, मियां नसीरुद्दीन का, बताया ना उनका मौसम की मार से पका चेहरा है, माथे पर पेशानी के भाव, कारीगर के तेवर, तो किसका वर्णन किया गया है, मियां नसीरुद्दीन का वर्णन किया गया है। तो मियां नसीरुद्दीन जो थे, मियां नसीरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे, मियां नसीरुद्दीन रोटी बनाने की कला में प्रवीण थे, मियां नसीरुद्दीन रोटी बनाने की कला में प्रवीण थे। मियां नसीरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे, क्वेश्चन आता है मियां नसीरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अपने पेशे को मतलब कला का दर्जा देते हैं, वो उसको एक कला मानते थे, वे अपने उस जो उनका जो पेशा था उस पेशे को वे अपनी कला का दर्जा मानते थे। मतलब मियां नसीरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से, जब वो गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी मतलब लेखिका जब उससे पूछने गई थी तो उसे किस प्रकार की आवाज़ सुनाई दी, कैसे आवाज़ सुनाई दी थी, पटापट पटापट, मतलब पटापट पटापट मतलब होता है जो वो रोटियाँ बनाते थे तो दोनों हाथों से पट पट की आवाज़ आती थी, तो कहते हैं जब वो गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो लेखिका को कैसी आवाज़ सुनाई दी, रोटी पकाने से जो पटापट की आवाज़ आती है ना, जो से पटक हाथों से इधर से उधर करते हैं तो वो मतलब पतली बनाने के लिए, तो पटापट की उसे आवाज़ सुनाई दी। पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने कहते हैं क्या सोचा, उसने जो आटा वो साना जा रहा था, जब वो देखती है कि तसर आटा पड़ा हुआ है उसको साना जा रहा है तो वो सोचती है कि आपने पढ़ा होगा बुक में लेसन में कि उससे किसकी आवाज़, क्या वो सोचती है कि इससे
मतलब सेवियाँ बनाएंगे, सेवैयों की तैयारी हो रही है, सेवियाँ जो बना सेवियाँ होती है ना, सेवियाँ बनाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। मियाँ नसीरुद्दीन जो थे कहते थे कितने प्रकार की रोटियाँ बनाते थे, मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बनाते थे, मियाँ नसीरुद्दीन जो थे 56 प्रकार की, मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने में प्रसिद्ध थे, वो हर 56 प्रकार की रोटियाँ बना लेते थे। तो लेखिका ने मतलब मियाँ नसीरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था, मियाँ नसीरुद्दीन ने सबसे पहले उनसे कौन सा प्रश्न किया था, क्या पूछा था कि उनसे ये पूछा उसने जाकर के कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है, ये पूछा था ना, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो यही उससे पूछा था, मतलब लेखिका ने सबसे पहले क्या पूछा कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जो मियाँ नसीरुद्दीन जो थे जब उन्होंने पूछा हमको कुछ सवाल पूछने हैं, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था, मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था, उसको समझा था अखबार नवीस, क्या समझा था, अखबार नवीस समझा था। अखबार नवीस मतलब होता है क्या तुम अखबार में लिखने वाली कोई पत्रिका तो नहीं हो, उन्होंने अभी पूछा है ना क्या तुम अखबार नवीस तो नहीं हो, तो सबसे पहले उन्होंने क्या समझा, उसको समझा अखबार नवीस, उसको समझा था अखबार नवीस समझा था। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था, मियाँ नसीरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा, मियाँ नसीरुद्दीन ने अखबार के विषय में कहा था कि ये खोजियों की खुराफात होती है, मतलब जो लोग खोज खोज करके न्यूज निकालते हैं ये उनकी खुराफात कहलाती है, ये खोजियों की खुराफात होती है ना। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने अखबार के विषय में कहा कि ये खोजियों की खुराफात है। और अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा, जो अखबार लिखते मतलब जो अखबार बनाते हैं और जो अखबार पढ़ते हैं, क्या कहा था उनको, कहा था निठल्ला, कि वो व्यक्ति निठल्ले होते हैं, मतलब उनके पास कोई काम वाम नहीं होता है तो वो बैठ के क्या करते हैं, वो बैठ करके पेपर को पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने उसको कहा था निठल्ला कहा था। तो लेखिका के अनुसार नसीरुद्दीन का ख़ानदानी पेशा क्या था, उनका ख़ानदानी पेशा क्या था, नान बाई का, मतलब नान बनाने का उनका पेशा था, वे 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, तो उनका मेन पेशा क्या था, नान बाई उनका पेशा था। ठीक, तो मियाँ नसीरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मतलब जिनके ठिया पर बैठे थे जाकर के, कि जिनका ठिया किसका था, उनके पिताजी का, मतलब कहते हैं उनके जो वालिद थे, उनके वालिद को ही वो मानते हैं, वो अपना उस्ताद किसे मानते हैं, वो अपने वालिद को मानते हैं, वो अपना उस्ताद वो किसे मानते हैं, अपने वालिद को मानते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जो थे उनके वालिद का नाम क्या था, जैसे मियाँ नसीरुद्दीन जो थे उनके वालिद का नाम क्या था, बरकत शाही, उनके पिता का नाम था बरकत शाही, मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम था बरकत शाही, और उनके दादाजी का नाम था मियाँ कलन, समझ में आया, उनके पिताजी का नाम था बरकत शाही और उनके दादाजी का नाम था मियाँ कलन था। कहते हैं काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, से क्या मतलब, इससे क्या मतलब होता है, कहते हैं कि ये कथन किसका है, काम करने से आता है सीखने से नहीं, ये किसने कहा था, ये कहा था नसीरुद्दीन ने कहा था, उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा था। ठीक है, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो चैप्टर आपको बताया था मैंने, उसको मैंने एक बार डिक्टेट कर दिया है आपके सामने, आप उसको बेटा अच्छे तरीके से पढ़िए और उसको कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।